बच्चों हमें कहा गया है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी अब देखो हर एक में नाइट्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों तो बेंजीन रिंग का इफेक्ट नाइट्रोजन पे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हर एक में ही वो इफेक्ट प्रेजेंट है हर एक में बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन तो हर एक में इफेक्ट क्या आता है नाइट्रोजन पे बच्चों नाइट्रोजन का लोन पियर इज इन्वॉल्व इन रेजोडेंस विदीम मतलब नाइट्रोजन का लोन पियर डीलोकलाइज हो गया है ओवर द रिंग ठीक है ना बच्चों लेकिन ये इफेक्ट हर एक में लग रहा है वॉट इज डिफरेंट डिफरेंट सेकेंड मॉलिक्यूल में क्या है सी एस सी का तुम्हें पता है प्लस आई इफेक्ट होगा प्लस आई इफेक्ट होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी एंड नाइट्रोजन विल बिकम अ बेटर लुइस बेस हाँ या ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन की तरफ और नाइट्रोजन की लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी आप बेसिक नेचर बढ़ जाएगी ओके अब आते हैं थर्ड पे गाइस नेक्स्ट में हमारे पास दो सीएससी प्रेजेंट है तो डोनेटिंग नेचर यहां पे ज्यादा होगी दोनों सीएससी डोनेट करेंगे जिसकी वजह से नाइट्रोजन की लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी ठीक है ना तो हमें ये ज़्यादा बेसिक उससे कम ये उससे कम ये अब आते हैं फोर्थ पे गाइस, फोर्थ बार बना लो अब वैसे हमें क्या देखना चाहिए सी एस सी का हाइपर कॉन्जुकेशन से नेगेटिव चार्ज आना लेकिन नहीं हमें याद होना चाहिए बच्चों ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन कि अगर ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है ना बच्चों अगर एनएस टू के ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन में कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है वो बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज कर देता है बेसिक नेचर डिक्रीज़ दैट इज ऑर्थो इफेक्ट दैट इज ऑर्थो इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट इन एलिनीन इज ऑल्सो नोन एज ये क्यों है बिजली ये ऑर्थो इफेक्ट जो हम कह रहे हैं कि ऑर्थो पोजिशन पे कोई ग्रुप आने से बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाना उसका रीजनिंग है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन आइडिया क्या है कि भाई ग्रुप्स प्रेजेंट है ग्रुप्स प्रेजेंट होने के कारण ऑर्थो पोजिशन पे नाइट्रोजन के पास एच प्लस आई नहीं पाता गेटिंग द आइडिया अपना लोन पेयर प्रॉपर्ली डोनेट नहीं कर पाता ड्यू टू तो स्टेरिक क्राउडिंग क्राउडिंग हो गई ऑर्थो पोजिशन पे क्राउडिंग हो गई जिसकी वजह से नाइट्रोजन इज नॉट प्रॉपरली एबल टू इट्स पेयर यह जो ग्रुप है जिसको उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं वो नाइट्रोजन तक पहुंच ही नहीं पाता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों तो आइडिया इज एज कंपेयर टू सिंपल एनिलीन और पोजिशन तो पे अगर ग्रुप है दैट विल डिक्रीज द बेसिक नेचर बच्चों मतलब हमारा एनीलिन के कंपेरिजन में दिस इज गोइंग टू बी अर बेस एनीलिन से कम बेसिक होगा हमारा ये वाला बच्चों जिसमें हमारा और इफेक्ट हम देख रहे हैं है आया आया। है, क्लियर है कि होने के कारण, अपना लोन पेर डोनेट नहीं कर पाता क्राउडिंग हो ग्रुप पहुंच ही नहीं पा रहा नाइट्रोजन तक तो बेसिकली उसके कारण क्या होता है हमारी बेसिक नेचर डिक्रीज कर जाती है तो अब हमें पता चल गया है सबसे ज्यादा बेसिक कौन ये उससे कम बेसिक कौन ये, उससे कम ये और सबसे कम कौन सा बच्चों ये जिसमें हमारा और इफेक्ट वर्क कर रहा है क्लियर गाइस?